नित्यानंदम। ये वीडियो में रउआ सभी लोगन के एक बार फिर से स्वागत बाटे। हमार नाम श्री नित्य रामनाथानंद महाराज बाटे और हम परमहंस नित्यानंद स्वामी जी के भौतिक ब्रह्मचारी हैं। परमहंस नित्यानंद स्वामी जी, अगर वह पहला बार उनका नाम सुनते हैं तो ये वीडियो में जो फोटो बाटे, ये हमार गुरु जी के परमहंस नित्यानंद स्वामी जी के मूर्ति हटे। हर एक वीडियो के माध्यम से हम जे कुछ भी रउआ लोगों से बांटते हैं वो हमार गुरु जी के देवल ज्ञान हटे। गुरु जी के सानिध्य में जे भी हम ज्ञान प्राप्त कैले बानी इस संन्यास जीवन के जीते हुए, उनका द्वारा व्यक्तिगत ट्रेनिंग जे हमारा के देनी, वह सबके माध्यम से जे ज्ञान प्राप्त कैले बानी, वह अनुभव हम रउआ लोगों के साथ शेयर करेला बाँटीला। कई बार प्रत्यक्ष रूप से भगवान द्वारा दिहल गए ज्ञान और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से, या जो हम वो ज्ञान के अपना जीवन में स्वीकार कैनी ओकरा आधार पे जे हमरा अनुभूति भर ओकरा के हम रुआ लोगन के साथे बाटी। आज के इस वीडियो में हम अपन अनुभव जे भगवान के देवल ज्ञान के माध्यम से अनुभव कैनी ओकरा के रुआ लोगन के साथे बाटू। ये ज्ञान जे बाटे, जे अनुभव बाटे, अनुभव में हम का शेयर करे के चाहते हैं कि कुछ समय पहले, दो तीन दिन पहले की बात है कि हमारा मन में चलत रहे कि आखिर भगवान ईश्वर हमनी खातिर का हवन, कैसे हम उनका साथे रिश्ता बना के रखी ला। एक शास्त्र द्वारा वर्णित भगवान के परिभाषा बटे, ईश्वर के परिभाषा बटे, जो हमें से बहुत सारा लोग जाने लग, कहे कि हमनी के बिहार में रामायण, महाभारत, शिव पुराण, शिव महापुराण, ये तरह के बहुत सारा ग्रंथ जब बहुत सारा लोग अपना जीवन में कभी ना कभी सुन ले हुई, पढ़ ले हुई, तो ईश्वर के बारे में कहीं ना कहीं हम सबनी लोगन के शास्त्र वर्णित परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत जरूर ज्ञान रहेगा। लेकिन क्या वास्तव में हमारा विचारधारा में या हमारा अंतरात्मा में कहा हम ईश्वर के साथ, ईश्वर के वो परिभाषा के स्वीकार करीला, या कहीं भेद बा, हम ईश्वर के कैसे परिभाषित करीला अपन अंतरात्मा में और ईश्वर का हमें वास्तविक में, तो दोनों में भेद बा या दोनों एक बा, तो ये समझ के हम रउआ लोगन के साथ बांटे के चाहते। तो यहाँ हम शुरू करें कि हम सभी लोगन कहीं ना कहीं, हम सब बिहार के लोगन जो बांटे, ईश्वर से कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम में रिश्ता जोड़ के रखी ला। हम सभी के कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रार्थना के साथ भगवान के प्रतिदिन पूजा पाठ करीला, उनका से प्रार्थना करीला। अब आज के वीडियो में हम ये बताएं कि हम सभी के कहीं ना कहीं एक एक प्रार्थना के साथ हम सभी लोग जाइला भगवान से और कुछ ना कुछ उनका से मांगीला और वहीं से हमनी के रिश्ता के शुरुआत होकेला। जब वो इच्छा के पूर्ति हो जाला तो हमनी के रिश्ता उनका साथे और मजबूत हो जाला, अगर ओकर पूर्ति ना होके तो कहीं ना कहीं रिश्ता में थोड़ा खराबी आ जाला। आखिर ऐसा कावट अगर वो वास्तव में देखें तो लाखों लोग अपन लाखों प्रार्थना के साथ ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ ले बट, और हर कोई कहीं ना कहीं लोग के इच्छा पूर्ति हो रहा बा, ओकरा के लोग उत्सव मनावेला, खुशी होला, भगवान के साथ उनका रिश्ता और बढ़ेला। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो कि और हमारी इच्छा जो भगवान से मांगते हैं वो पूरा भी ना होला, और कई बार ऐसा होगा कि और कोई भी इच्छा पूरा ना होके। जब इच्छा के पूर्ति होला तो हमनी के रिश्ता और मजबूत होला, भगवान के प्रति हमारे जो विचारधारा है और मजबूत होला। लेकिन जब पूरा ना होके तो भगवान के प्रति हमार विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह लागे लग जाला, भगवान के हम प्रश्न करे लगेला, भगवान के बारे में बहुत सारा निर्णय आवे लगेला, भगवान के परिभाषा पे हम निके प्रश्न करल से उबल। लेकिन वास्तव में अगर देखें ही तो जब वो प्रश्न करल शुरू कर दी तो इस परिस्थिति के देखें कि करोड़ों लोगों के करोड़ों भिन्न भिन्न इच्छाएं बा, उनमें से करोड़ों इच्छा के भगवान कतना लोगन के पूर्ति कैले हुई, लेकिन हर व्यक्ति जब अगर देखें तो जे इच्छा रउआ रखी ला भगवान के प्रति, वो इच्छा के माध्यम से ही सिर्फ उनका साथ रिश्ता जुड़ल बने। मनी हम सभी के
परिभाषा जब भगवान के प्रति बहुत छोटा भा और वही छोटा परिभाषा के माध्यम से हम उनका साथे अपन रिश्ता के जोड़ ले बनी इले छोटा छोटा इच्छा जब ना पूरा होके ना तो उनका साथ रिश्ता टूटे लग जाला। लेकिन ये बात के भी ज्ञान देवता है परिस्थिति कि राउर जो परिभाषा भगवान के प्रति बा जो वास्तव में अपन अंतरात्मा में भगवान के साथ कैसे वह संबंध जोड़ ले बनी वो बहुत ही सीमित बा ओकर ज्ञान हो जाला। जैसे ही ये बात के ज्ञान होके और ये उदाहरण के अगर हुआ देखें तो ये समझ में आवे लगे कि भगवान के साथ हम जो रिश्ता जुड़ ले रहे बहुत कमजोर रिश्ते बा। भगवान के प्रति रिश्ता सिर्फ कुछ इच्छा के पूरा होके ना पूरा होके तक ना होके वो सबसे बढ़ के रिश्ता बा जो हम सबके खोजे गए और वो चीज़ के समझे गए। तो यही अनुभव हमारा भयल हमारा अपना जीवन में कि कैसे हम भगवान के साथ अपन रिश्ता जोड़त रहे आ कैसे कभी कभी कोई इच्छा के अगर पूरी ना होके पूर्ति ना होके तो कैसे वो रिश्ता गड़बड़ाए लगेगा। आई हम सभी के बहुत सारा लोगों के अनुभव होला क्योंकि हमने के बिहार में बहुत सारा लोग जो है भगवान से प्रार्थना के माध्यम से पूजा पाठ भजन कीर्तन के माध्यम से ईश्वर से रिश्ता जोड़ ले रहे हैं और हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अभाव होला जेका वजह से हम ईश्वर के पास जाइला वो इच्छा के पूर्ति करे खातिर वो अभाव के पूर्ति करे खातिर आ सभी के अनुभव है कि कई सारे इच्छाओं के पूर्ति ना भी भइल होई। सो होखे या ना होखे रउआ जे हिसाब से भगवान के परिभाषित करी या ना करी लेकिन जो वास्तव परिभाषा अगर ईश्वर सर्वज्ञानी हमें त्रिकालदर्शी हमें तो उनकर और हर इच्छा के एकर का फल होखी भविष्य में एकर का फल होए ये फलदायी होए कि नुकसानदायी होए उनका ज्ञान तो होई ना उनका। तो वास्तव में ईश्वर वह से प्रेम करेला एला ये चीज के देखते हुए कि अगर ये इच्छा फलदायी हो तो वह के दी है अगर इच्छा फलदायी ना हो तो ना दी है। लेकिन हमने के ओकर दूसरे मीनिंग अर्थ निकाले लगेला अर्थ के अनर्थ करे लगेला आ ओकरा साथे हम अपन रिश्ता भी खराब करे लगेला। तो देखें कि मतलब कि सिर्फ वहम में या कई तरह से माया यहाँ पे अपन गेम प्ले करता खेल खिलत बा कि छोटी छोटी चीज़ें हमने के ईश्वर के साथ रिश्ता तोड़ देवता ऐ सिर्फ ईश्वर के साथ ना जीवन में हर रिश्ता जो बटे कहीं ना कहीं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से टूटते रहना एकरा के रिपेयर करे के जरूरत एक पुनः परिभाषित करे के जरूरत तब पायम रहुआ कि अपन जीवन में ईश्वर के प्रति घर परिवार के प्रति और रिश्ता में बेहतरी है। तो आज रुआ अगर लोगों के साथ हम यह ज्ञान बांटे के चाहते रहें फिर आए वाला वीडियो में हम और भी ज्ञान रुआ लोगों से शेयर करते रहें। आज के वीडियो देखे खातिर रुआ लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। नित्यानंद।